हे गाइस वेलकम टू E24, मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और हाल ही में हमने फिर से देखा कि ट्रेलर आया था रॉकेट्री का और आर माधवन एक लाइफ बेस्ड एक मूवी बना रहे हैं जिसके वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी है, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी हैं एंड वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड। बात रहे चाहे रहना है तेरे दिल में की हो या फिर रॉकेट्री की, वी हैव लव्ड मैडी थ्रू आउट हिज लाइफ एंड वी हैव आर माधवन इन द हाउस। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। हाउ आर यू? थका हूँ यार, मतलब छितड़े हो गए मेरे। जनरली मूवी प्रमोशन में ये होता है कि एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, एक हीरोइन है, एक बाकी कैरेक्टर्स हैं, तो सब संभाल लेते हैं। लेकिन जितने भी लोग रुके हुए हैं उनका मतलब खातिरदारी करना सिर्फ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने बता रही एज एन एक्टर, जब भी मैं सुनता था कि कोई जो है फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लिख भी रहा है, लिरिक्स भी कर रहा है, तो मैं बड़े मतलब कहते ना गंदे तरीके से हंसता था कि यार ये पिक्चर की तो लग गई, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स एक इंसान से कैसे संभाला जा सकता है, क्योंकि हर एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। पर इस फिल्म में मेरे पास कोई चारा था ही नहीं, मैं किसी को समझा नहीं पाया, मैं किसी को प्रोड्यूस नहीं कर पाया और मैं डायरेक्ट करने वाला नहीं था एंड मौके पे मजबूरन मुझे डायरेक्ट करना पड़ा और अब जाके इतने सारे नाम और क्रेडिट्स मेरे नाम के साथ जुड़ गए, तो आई एम वेरी नर्वस। पिछले साल हमने देखा था कि आपने इसका थोड़ी सी झलक पार की थी। व्हाट मेड यू लाइक वेट फॉर लाइक सो 1 ईयर? हम पिछले साल भी ये मूवी देख सकते थे। नहीं, एक तो ये है कि ये फिल्म थिएटर में ही दिखाना था मुझे, क्योंकि इसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने पहली बार की है, जो किसी भी फिल्म में नहीं किया हो, और उसके लिए बड़े पर्दे में ये देखा जाना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि रॉकेट इंजन, आपने बहुत सारी फिल्मों में रॉकेट देखा होगा, रॉकेट सैटेलाइट्स देखे होंगे, स्पेसशिप्स देखे होंगे, पर किसी ने आपको आज तक रॉकेट इंजन नहीं दिखाया होगा। तो ये हमने दिखाया है और उसकी जो आवाज़ है वो इंसान के कानों में पड़ने वाली सबसे लाउड आवाज़ मानी जाती है, तो इसको कैसे हम स्मॉल स्क्रीन में दिखाएं। तो इसीलिए जो कि कोविड का लॉकडाउन आ गया था, हम इस फिल्म को थिएटर में नहीं ले आ पाए और अब मुझे लगता है कि सबसे लंबे अरसे से रुकी हुई ये फिल्म जो कोविड से बाधित हुई है वो है रॉकेटरी, और अब जुलाई 1 तारीख को रिलीज़ हो रही है। 6 साल की जर्नी रही है, आपने इस फिल्म को बनाने के साथ साथ जिया भी है। हाउ वॉज द जर्नी लाइक ड्यूरिंग ऑल दिस 6 ईयर्स? ये मेरे ज़िंदगी के सबसे हसीन 6 साल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी तकलीफ़ें और कठिनाई हुई हैं, पर उसको सॉल्व करने में जो मज़ा आया, जिन लोगों से मैं मिल पाया, जो मेरे ख़ानदान से जुड़ गए, जो मेरे भाई मैं मानता था वो मेरे मतलब फ्रेंड, फिलोसोफर, मेंटर बढ़ गए, ऐसे सब चीज़ों मैंने इस फिल्म में ऑलरेडी बहुत कुछ पाया है यार। और इस 6 सालों में जितने रिश्ते बन गए हैं, जितनी एक्सपीरियंस मुझे मिली है, आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी। What interest you more like doing this project? Because आपको बहुत कुछ करना था इसमें, like producing, writing, and directing, and acting, everything. Like what interest you more about the नाम्भी सर के बारे में? देखिए, ये सब मैं नहीं करना चाह रहा था। जब मैं नंबी नारायण साहब से मिला और मैं इनकी कहानी सुनी, मैंने रियलाइज़ किया कि नंबी नारायण साहब बहुत ही मतलब हर्ट थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो किसी से भी क्या बोलते हैं उसको करुणा नहीं चाह रहे थे ना, वो कि हम उन पे यार उनके लिए सॉरी फील करें, वो खफा हो जा रहे थे। फिर भी एक अफसोस था उनको कि आज भी अगर उनका नाम आप गूगल में डालो तो ISRO स्पाई केस के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, जिसके वो बिल्कुल निर्दोष साबित किए गए हैं। बस कोर्ट्स ने कह दिया कि वो निर्दोष हैं और सारा फोकस उनके स्पाई न होने पे है। जबकि मैंने उनके अचीवमेंट्स के बारे में सीखी या उसके बारे में रिसर्च किया तो मैं बिल्कुल बौखला गया। नंबी नारायण साहब की अचीवमेंट्स इतने कमाल के हैं कि बाहर के देशों में इनका नाम इतना रोशन है कि वो अदब और आदर से जाने जाते हैं और हम यहाँ उनका नाम तक नहीं जानते। और जो उन्होंने इस देश के लिए किया है और उसकी अहमियत जो है इस देश के लिए आज के दिन, वो इतना भयंकर है। ये वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल जिसे हम कहते हैं कि इस देश में हमें चाहिए, और वैसे उस चीज़ के लिए हमें नंबी नारायण जैसे लोगों को बरकरार और सुरक्षित रखना होगा, उनको एक एग्जाम्पल बनाना होगा ताकि हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और जितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस लोग हैं वो इंडिया में अपने आप पनपे और हमारे देश को मतलब और आगे बढ़ाए। What was his reaction? Because normally कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, ऐसा बहुत मैंने जब देखा लाइफ बेस्ड मूवी होती है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि नो आई वांट हिम अनदर पर्सन टू डू दिस। व्हाट वाज हिज रिएक्शन व्हेन द ट्रेलर केम आउट? बिकॉज आपने एक वीडियो डाला था टाइम स्क्वायर पे, आप उनके साथ हैं वहाँ पे, एंड व्हेन ही सॉ द ट्रेलर हाउ व्हाट वाज हिज रिएक्शन? देखिए, हमने ये फिल्म साथ ही बनाया है, मैं चूँकि वो हैं मेरे साथ तो वो कह सकते हैं कि मैंने इंजन के बारे में कुछ गलत लिखा है या कुछ गलत टेक्नोलॉजी बताई है या कोई बात था, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह उनके नरेशन से ही बनी है और कोर्ट वर्डिक्स के साथ ही बनी है। तो कोई फैक्ट्स ऐसी नहीं है इस फिल्म में जो हमने अचानक अपने मन मर्जी सिनेमैटिक लिबर्टी की वजह से किया है। जब इन्होंने पिक्चर देखा तो ये बहुत शांत हो गए, बहुत ही इमोशनल मेरे को लगता था हो गए थे, पर वो कुछ बोल नहीं पाए। कुछ 5 घंटे बाद त्रिवेंद्रम जाकर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, माधवन मैंने लाइफ में ऐसे कई चीज़ें देखी हैं जो कई लोग नहीं देख पाएंगे, और मैंने ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो जो किसी को भी देखना नहीं चाहिए। और इतने बाधाओं के बाद और इतने दर्द के बाद मुझे लगा कि मैंने दुनिया देख लिया है, पर अब ये पिक्चर देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ईर्ष्या और जलन होगी। तो मैं पिछले 6 घंटे से ये सोच रहा था कि क्या इस फिल्म में ऐसी कोई बात है जो हमने गलत बताया है, जो हमने खामखा कहा है मेरा नाम रोशन करने के लिए, और उसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग इस फिल्म को देखने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। उस तक जीवित रहने के लिए जो आपने इच्छा पैदा कर दी मेरे मन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We have seen even शाहरुख खान को भी हमने इसमें देखा। When you approached him, क्या कुछ डिस्कशन हुआ था, अगर हमें बताना चाहिए। देखिए, आई एम वेरी लकी, खान साहब खुद कह रहे थे कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने जब उनके जन्मदिन में उनसे मिला था, उन्होंने कहा कि मैडी इस फिल्म में मैं एक रोल करना चाहता हूँ, भले ही मैं जो तुम पीछे से पासिंग करा दो। मैंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे स्क्रिप्ट को याद रख कर बात कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं इस फिल्म में हिस्सा बनना चाहता हूँ। और मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, पर मैंने कहा कि यार पूजा देखो मेरे पास ऐसा कोई रोल नहीं है जहाँ पे मैं पीछे में शाहरुख खान को पासिंग करा दूँ। एक है रोल, पर मैं यार इसे नहीं, बताओ कितने दिन चाहिए, कब आना है। और इस फिल्म को हिंदी में और इंग्लिश में खान साहब ने मेरे साथ किया है। तो यार इस देश में, इस इंडस्ट्री में बहुत कमाल के लोग होते हैं। नाम्भी सर के ऊपर उन्होंने किताबें भी अपने लिए लिखी थी, क्या आपने मतलब किताबों से भी रिसर्च निकाला था चीज़ें, या फिर आप लाइक फिज़िकल रिसर्च भी किए थे जब इसरो जाके, या फिर सब? जी हाँ, रिसर्च तो 2.5 साल के लिए मैंने की है, पर जब भी मैंने उनकी किताबों को पढ़ा मैंने उठा के उसको साइड में रख दिया, क्योंकि मुझे लगा कि क्या है ये आदमी खुद अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, ये आदमी खुद अपने जो इसने हमारे देश के लिए किया है उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, उससे बेचारे केस के पीछे उनकी सुई अटकी पड़ी है। हाँ। तो उसके उनकी किताबों से मुझे कोई लेना देना नहीं था। एंड टॉकिंग अबाउट, जब आप क्या आपने वहाँ पे इसरो वगैरह यहाँ सब भी जाके आपने कुछ रिसर्च की थी अबाउट द रॉकेट एंड एवरीथिंग, लाइक बेसिक चीज़? हम इसरो गए थे, हाँ, हमने देखा कि PSLV इंजन कैसा है, कंट्रोल रूम कैसा है, हमने बहुत सारी तस्वीरें भी ली, वहाँ से लोगों से हमने बात भी की। हाँ, पर सबसे बड़े जो हमारे कंसल्टेंट थे वो तो मेरे साथ ही थे, डॉक्टर नंबी नारायणन। उन्होंने ये इंजन बनाया है जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, उस इंजन के बारे में भी ये कहानी है, तो मैं किससे पूछूँ। और एंड थिंग्स विच यू गेट टू नो, जो आपको नहीं पता था एंड लोगों को नहीं पता, अगर आप बताना चाहें नंबी नारायण के बारे में। एक तो ये है कि लोगों को नंबी नारायण के बारे में पता ही नहीं है, जिन लोगों को पता है वो सिर्फ स्पाई केस के बारे में जानते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि उनको पद्म भूषण क्यों दिया गया। अब उनको पता भी चले कि उनको पद्म भूषण मिला है कि नहीं वो भी नहीं पता, और अब पद्म भूषण क्यों दिया गया और जो वजह से उन्हें पद्म भूषण दिया गया उसका अहमियत क्या है हमारे देश में, और उसको उसका ये उसके बारे में जानना क्यों इतना ज़रूरी है। वो लोग नहीं जानते कि ये प्रिंसटन के सबसे पहले आईवी लीग स्टूडेंट रहे हैं। लोग नहीं जानते कि रशिया जब USSR जब टूट रहा था तो ये कितने धैर्य और साहस के साथ वहाँ जाकर रशियन को घुमाया, फ्रेंच को घुमा के बातों से मोहित किया, धमकाया, डरकाया, और सबके सामने आंखों के नीचे से रॉकेट इंजन स्मगल करके इंडिया लाए, जो इंडिया के पास ऐसे भी पहुँचने थे, हमने पैसे दे रखे थे उसके लिए। तो ऐसी सब बातें हैं जो हम यू नो जेम्स बॉन्ड से ही उम्मीद करते हैं। हमें थोड़ी पता था कि जेम्स बॉन्ड का बाप हमारे यहाँ त्रिवेंद्रम में रहता है। जब उस समय बहुत सारे, अभी इस वक्त बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनके लाइफ बेस पे मूवी और वेब सीरीज़ बन चुके हैं, वेदर इट्स होमी जे भाभा या फिर विक्रम साराभाई या फिर अब्दुल कलाम। जब आपने इसके लिए जब मूवी बनाई थी, क्या उन्होंने कुछ ऐसी बातें शेयर की थी जब रॉकेट इंजन बनाने के वक्त में कितनी मुश्किलें उन्होंने झेली थ्रू आउट द फ्रॉम लाइक जो कुछ भी? आप बायोपिक की बात करें, मतलब लाइफ किसी इंसान के लाइफ के बारे में जब हम पिक्चर बनाते हैं उससे बायोपिक कहते हैं ना, वो। हाँ बिल्कुल, और इसमें हमने ये भी बताया कि नंबी नारायण साहब और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के बीच में कैसी दोस्ती थी और क्या रिलेशनशिप था। और एक और इंसिडेंट है, पर ये सब चीज़ों के बारे में मैं अभी बात करूँगा तो फिर आप पिक्चर में क्या देखोगे। एंड टॉकिंग अबाउट योर लुक, आपने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें आपने अपने बालों को ग्रे किया था एंड यू पुट ऑन द वेट, तो उस प्रोसेस के बारे में अगर हमें थोड़ा सा बताना चाहें। ऑल्सो वी वांट टू नो दैट कि क्या वो आपने बहुत सारे ऐसे फिल्में की हैं जिसमें वेट लॉस भी किया, वेट गेन भी किया है, तो क्या वो मेंटल टॉस करता है ये चीज़? देखिए, हमने इस फिल्म में कोई भी बातों को मतलब एकदम ओरिजिनल रखना चाहा, हर चीज़ को। तो इस लुक को हासिल, मतलब हमने 29 साल से लेकर 70 साल की उम्र हमने दिखाई है इस पिक्चर में, और इस दौरान हमने कोई प्रोस्थेटिक्स यूज़ नहीं किया, ना ही हमने मूछ दाढ़ी लगाई है चिपका के, या हमने वेट बढ़ाने के लिए पैडिंग की है, या हमने पतला दिखाने के लिए ग्राफिक्स किए, कुछ नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि हर चीज़ इस फिल्म के बारे में सच्चा हो। लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि ये दाढ़ी गलत झूठी दाढ़ी है, इसलिए शायद कहानी में भी कुछ खोट होगी। और ये सब हासिल करने के लिए 2.5 साल रिसर्च किया हमने, और ऐसी चीज़ें की हैं जो पहले किसी भी फिल्म में किसी ने ना किया हो, क्योंकि वज़न जल्दी से बढ़ाना भी था और घटाना भी था। तो ये सब कैसे हासिल किया हमने, और इससे हमने क्या सीखा, दांतों की क्या ज़रूरत है, खासियत क्या है, दांत कैसे किसी इंसान को उनकी उसकी उम्र से कम दिखा सकता है और ज़्यादा भी दिखा सकता है, उसको कैसे बरकरार रख दिया जा सकता है, बालों का कैसा ख्याल रखना है, इन सब के बारे में हम एक वीडियो बना के रिलीज़ करने वाले हैं। बन चुकी है, बट रॉकेटरी रिलीज़ के बाद हम इसको दिखाएंगे लोगों को, ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। हमने कई बार देखा हो कि शादी से पहले लोग अचानक अपना वजन कम करना चाहते हैं, और उस चक्कर में वजन तो कम हो जाता है लेकिन चेहरा भी इतना गिर जाता है कि उम्र से ज़्यादा दिखते हैं, या फिर अपने दांतों को ठीक से नहीं रख पाते। तो ये सब चीज़ें सही तरीके से कैसे किया जाए, इसके बारे में जो मैंने जानकारी प्राप्त की है उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। लास्टली हम आउट ऑफ द रॉकेटरी हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने हाल ही में वेदांत के लिए आपने एक पोस्ट शेयर किया था, यू वॉन द गोल्ड मेडल, फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, एंड हाउ, मतलब किस तरह से क्या कुछ रहा आपके मन में, क्या कुछ चल रहा था, बिकॉज एक पिता के रूप में आप बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इसलिए वो खुशी हमें आपके इंस्टा पोस्ट के ज़रिए दिखी थी। हाँ, देखिए मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ताली बजाना है और इंस्टा पोस्ट करना है, बाकी सब उसका जो अचीवमेंट है उसके ज़िम्मेदार वो और मेरी बीवी है। पर हाँ, वो अच्छा कर रहा है, स्विम कर रहा है, डेडिकेटेड है, दिन में 6 घंटे पूल में बिताता है। पर जितना नाम और शौर्य उसको मिला है बिकॉज ऑफ हिज मेडल, वो मुझे पता है कि उसके अचीवमेंट से कहीं ज़्यादा उसको मिला है, क्योंकि वो मेरा बेटा है और ये बात वो भी समझता है। अब तो दिल्ली बहुत दूर है, ओलंपिक्स जाना है, कॉमनवेल्थ में जीतना है, और उसके हम उम्र के बहुत सारे स्विमर्स हैं जो उससे अच्छे हैं, तो वो जानता है बेचारा, वो उनको प्रमोट करता रहता है अपने इंस्टाग्राम पर। पर फिलहाल तो हम ये रिकग्निशन और ये पॉपुलैरिटी दूर होकर सिर्फ स्विमिंग में कॉन्सनट्रेट करना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड हम सब को इंतज़ार है 1 जुलाई का रॉकेटरी का, और हम सब थिएटर में वेट कर रहे हैं देखने के लिए। थैंक यू सो मच माधवन हमारे साथ बने रहने के लिए।